हेलो बच्चों, वेलकम टू द डाउटनेट। डाउटनेट की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसे कि टर्म टू आपका स्टार्ट हो चुका है और अब हमने टर्म टू के सभी चैप्टर्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो बच्चों, इसी सीरीज में अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लेक्चर नंबर 2 आज के लिए बच्चों हम लेकर के आए हैं। तो जल्दी से सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए और आज के लेक्चर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं जो कि वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो कि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है बच्चों, वो हम आज के लेक्चर में आपका कवर करने वाले हैं। तो बच्चों जल्दी से मूव करते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो सारे बच्चे रेडी हैं? किसी को भी, कोई भी, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो अभी जाइएगा, मतलब कि क्लास के बाद, और लेक्चर नंबर 1 को जरूर से आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सभी मैंने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि भाई क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और किस तरीके से बच्चों अगर हम बात करें तो जनरल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद उनको सॉल्व करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं बच्चों, वो सभी मेथड मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में कवर किए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 जरूर से जाकर के बच्चों देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे पर मूव करते हैं बच्चों। चैप्टर प्रोग्रेस में आपको मालूम ही है यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनका जनरल फॉर्म, फिर उनको सॉल्व करने के मेथड्स, उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, देन बच्चों वर्ड प्रॉब्लम, ये सारे के सारे टॉपिक हैं। तो आज स्पेशली बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, और जो क्वेश्चन मैं आज के लेक्चर में आपको करवाने वाला हूं बच्चों, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में कई बार रिपीट हुई है। और आपको मालूम है कि अभी के अकॉर्डिंग, सीबीएसई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जो टर्म 2 के जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आने वाले हैं बच्चों। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। तो सारे बच्चे रेडी हैं, स्टार्ट करें अपनी क्लास को। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रॉब्लम जो इस चैप्टर से बच्चों आपकी आती है, वो है आपकी बोट एंड स्ट्रीम पर बेस्ड, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम, ये कॉन्सेप्ट सभी ने पढ़ा है, निश्चित ही डेफिनेटली बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर आपका पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमने बोट एंड स्ट्रीम पर बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, वहां पर भी एक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझा था। अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट यहां पर भी वही अप्लाई होगा, बस इक्वेशन जो फॉर्म करेगी वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने मेथड्स आपके लेक्चर नंबर 1 में कवर किए हुए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई दो टाइप के कॉन्सेप्ट बच्चों यहां पर आपके इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि यहां पर आप दो, मतलब कि दो आप पिक्चर्स यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है बच्चों। आप इन दोनों पिक्चर्स को देख करके बच्चों अगर मैं बात करूं तो क्या चीज आपको फील में आ रही है, कुछ फील कर पा रहे हो यहां पर देख करके, कुछ आइडिया लग रहा है कि क्या है? अगर आप ऊपर वाली पिक्चर पर देख पा रहे हो जो कि एक यहां पर हम देख सकते हैं, एक GIF है, ठीक है बच्चों, जिप फाइल आपके पास, तो यहां पर आप देख सकते हो बच्चों कि भाई ये जो बोट है ये बहुत फास्ट चल रही है, बहुत फास्ट चल रही है, ठीक है बच्चों। और सेकंड पर अगर आप देखो, सेकंड वाली गिफ्ट पर, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है बच्चों, ये बोट आपकी बहुत ही स्लो रन कर रही है, बहुत ही स्लो, धीरे धीरे बहुत तेजी से चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। अब आपको इनको देख करके क्या थॉट आपके मन में आता है, क्या थॉट आपके मन में आ रहा है? यहां पर डेफिनेटली आपके मन में थॉट आ रहा होगा कि सर यहां पर अगर हम देखें तो ये बोट इतनी फास्ट इसलिए रन भी कर रही है, कहीं ना कहीं पर ये बंदा जो बोट को चला रहा है ना, ये बोट को उस डायरेक्शन में चला रहा है जिस डायरेक्शन में आपकी जो स्ट्रीम है उसका फ्लो है, जिस डायरेक्शन में जो रिवर है उसका फ्लो है, इस वजह से उस डायरेक्शन में बोट चलाने से बोट की स्पीड आपकी इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। और दूसरा अगर यहां पर देखें तो ये किस डायरेक्शन में बोट को रन कर रहा है, जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है यानी कि स्ट्रीम का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। तो बच्चों ये जो सिचुएशन होती है इसको हम किसके नाम से जानते हैं, इसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और उसके अपोजिट इस सिचुएशन को हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम दो सिचुएशन यहां पर अराइज होती है, ठीक है बच्चों। डाउन स्ट्रीम में क्या है, अगर मैं बात करूं बोट उस डायरेक्शन में चल रही है, मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम का फ्लो है, ठीक है बच्चों। और इस कंडीशन पर क्या होता है, जो बोट की स्पीड है और जो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में है और जो स्ट्रीम की स्पीड है, दोनों ऐड हो जाते हैं, स्पीड इंक्रीज होगी, मतलब कि दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम। आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि भाई डाउन मतलब कि जब आप ऊपर से नीचे गिरोगे ना,
फॉर एग्जाम्पल ऊपर से नीचे आओगे तो आपकी स्पीड बहुत फास्ट होगी, और जब अप मतलब जब ऊपर चढ़ोगे ऊपर जाओगे तो आपकी स्पीड क्या होगी बच्चों, स्पीड उस कंडीशन में आपकी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्लो होगी। तो डाउन में फास्ट हो जाने का मतलब यहां पर बोल सकते हैं कि स्पीड बच्चों आपकी ऐड हो जाएगी, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस में वाई। ये स्पीड को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है बच्चों, बाकी प्रॉब्लम में जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको एक्स और वाई, एक्स बेसिकली बोट की स्पीड को यूजुअली डिनोट करेंगे और वाई को हम आपकी स्ट्रीम की स्पीड में, और यहां पर स्पीड आपकी डिक्रीज करेगी, तो यहां पर एक्स आपकी बोट की स्पीड माइनस में आपकी स्ट्रीम की स्पीड, तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर ऐसा कुछ बच्चों यहां पर आपको करवाया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली अगर मैं बात करूं ये दो आपकी सिचुएशन अराइज होती है यहां पर, क्लियर है बच्चों। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्या क्वेश्चन इस पर बेस्ड आपका बनता है, और ये क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूं ना बच्चों, ये अगर देखा गया कि प्रीवियस ईयर्स में कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ, बहुत बार रिपीट हुआ है बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, ठीक है बच्चों। यहां पर ये बोल रहा है कि एक मोटर बोट है, ठीक है बच्चों, जिसकी स्पीड स्टिल वाटर में उस मोटर बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर आपको दे दिया है बच्चों, ठीक है, एंड इट विल टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। भाई 1 आवर का डिफरेंस है यहां पर, ये बोल दिया कि भाई अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है ना वो डाउन स्ट्रीम आने में टाइम से 1 आवर ज्यादा लग रहा है, ठीक है बच्चों। जो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जाना और डाउन स्ट्रीम मतलब कि सेम डायरेक्शन में जाना, तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जो टाइम का डिफरेंस है, ऑब्वियस सी बात है कि अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगेगा और डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगेगा, तो ज्यादा टाइम और जो डिफरेंस है ना टाइम का वो 1 आवर का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है बच्चों, ये आपका 1 आवर का डिफरेंस है। तो ये बेसिकली आपको यहां पर दे दिया है, हमको पूछ रहा है आपसे फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, ठीक है बच्चों, और बोट की स्पीड आपको स्टिल वाटर में ऑलरेडी गिवन है। तो बच्चों हम यहां पर देख सकते हैं कि लेट सपोज क्या करेंगे, जो चीज हमें अननोन होता है उसको हम एक वेरिएबल एक्स से डिनोट कर लेते हैं। लेट सपोज, ठीक है बच्चों, लेट सपोज स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम सपोज कर लेते हैं बच्चों यहां पर हम आपका क्या इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आर, ठीक है बच्चों, ये हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपका सपोज कर लिया कि एक्स किलोमीटर पर आर है, ओके बच्चों, ओके। एंड द स्पीड ऑफ, अगर हम यहां पर देखें गिवन है हमारे पास, यहां पर नोट कर देता हूं बच्चों, गिवन है हमारे पास स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है बच्चों, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये बेसिकली बच्चों हमारे पास क्या गिवन है आपके पास 18 किलोमीटर पर आर आपके पास गिवन है, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मालूम है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में जो स्ट्रीम की स्पीड है और जो बोट की स्पीड है दोनों ही अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर लिखूं बच्चों स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट अगर मैं आप देखूं इन अपस्ट्रीम, यहां पर अगर लिखे स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में बच्चों बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, एक तो 18 किलोमीटर पर आर आपकी बोट की स्टिल वाटर में स्पीड थी, अब ये अपोजिट किसके चल रही है, हमारे स्ट्रीम के, तो इसका मतलब है कि स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, तो यहां पर हम लिखेंगे 18 माइनस में एक्स किलोमीटर पर आर नोट कर देंगे बच्चों। और उसके अपोजिट अगर मैं स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम की बच्चों अगर मैं बात करूं कि डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, तो डाउन स्ट्रीम में आपको मालूम है कि बोट की स्पीड आपकी इंक्रीज कर जाएगी, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों 18 प्लस में x किलोमीटर पर आर, ये बच्चों हमारे पास डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड हो गई। क्लियर है, पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि भाई हमारे पास हमें फाइंड क्या करना है, यहां पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करना है और गिवन है हमारे पास स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो अगर हम अपस्ट्रीम में बात करते हैं तो अपस्ट्रीम में क्या होता है बच्चों, स्पीड आपकी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, तो 18 में से x किलोमीटर पर आर आपका माइनस मतलब ये हो गया, तो स्पीड इतनी बच गई, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड इंक्रीज कर जाएगी तो 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आर यहां से निकल के आ गया। ये तो बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका आ गया। अब आपको मालूम है कि जो टाइम होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम यहां पर ये बोले कि जब वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट को समझिए बच्चों,
कि अगर मैं बोलूं कि 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाने का जो टाइम है, अगर सपोज करो वो T1 है, ठीक है बच्चों, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाने का जो टाइम है, जो टाइम लग रहा है उसको, वो क्या है आपके पास, कितना है, T1 है। तो T1 इक्वल टू क्या होगा, 24 किलोमीटर डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया आपके पास 24, और अपस्ट्रीम में अगर मैं टाइम की बात करूं तो 18 - x हो गया बच्चों, तो 18 - x हो गया। और अगर मैं डाउनस्ट्रीम के लिए बात करूं कि अगर हम 24 किलोमीटर बोट अब रिटर्न कर रही है बच्चों, तो 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने में जो टाइम लगेगा, सपोज करो T2 है, तो 24 अपॉन में आपका 18 + x हो गया बच्चों। और आपको मालूम है कि ऑब्वियस सी बात है कि जो T1 होगा, है ना बच्चों, ये ग्रेटर देन होगा T2 से, ठीक है बच्चों, क्योंकि T1 है अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा, अपस्ट्रीम जहां डायरेक्शन में टाइम लगा, और T2 है डाउनस्ट्रीम। और डिफरेंस क्या है बच्चों, यहां पर देख रहे हैं टेक्स 1 आवर मोर, यहां पर 1 आवर का टाइम आपका एक्स्ट्रा लग रहा है बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T1 - T2 हमारे पास क्या है बच्चों, 1 के इक्वल है, 1 आवर का डिफरेंस है ना दोनों टाइम पर। चलिए भाई, तो 24 अपॉन में 18 - x माइनस में बच्चों यहां पर 24 अपॉन में 18 + x इक्वल्स टू बच्चों हमने यहां पर 1 लिख दिया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, 24 इंटू में आपके पास 18 + x और माइनस में 24 इंटू में आपके पास 18 - x, ठीक है बच्चों। ये हमने एलसीएम ले लिया और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 18 - x इंटू में आपके पास 18 + x, ठीक है बच्चों। एलसीएम ले लो 18 - x 18 + x, तो यहां पर ये मिल गया और आरएचएस में 1 में प्रोडक्ट में इतना आ गया। देख लो भाई, यहां से अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 48x हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास 24x 24x, तो 48x तो इधर से आ जाएगा, इक्वल टू 18² हमारे पास होता है बच्चों 324 के, और माइनस में आपके पास x². तो बच्चों अगर मैं पूरी वैल्यूज को LHS में लेकर के आ जाता हूं तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है वो है x² माइनस में, अगर हम यहां पर देखें तो कितना आ जाएगा, प्लस में हमारे पास 48x है और माइनस में 324 इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास आपका निकल करके आ गया। और जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास निकल करके आ गया, तो सिंपल सा अगर हम यहां पर देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, अब क्या समझ में आ रहा है कि अगर मुझे x² 48x माइनस में 324 इक्वल टू 0, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो क्या फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, तो आप सिंपली 324 के अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो फैक्टर से आपको इजीली निकल के आ जाएगा। वैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम 324 को लिख सकते हैं आपका, ठीक है, आई थिंक 54 इंटू में अगर मैं 6 करूंगा तो यहां पर आप देखो 6 4 = 24, 6 5 = 30, बिल्कुल सही। और अगर हम यहां पर देखें तो आप देख सकते हो कि 54 माइनस में 6 आपके पास 48 बन रहा है, बहुत ही बढ़िया। फैक्टर्स हम इजीली निकाल सकते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं बच्चों। तो 48x को अगर मैं स्प्लिट कर दूं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दूं, तो व्हाट वी कैन गेट बच्चों, यहां पर x² प्लस में अगर आप देखिए तो ये बन जाएगा हमारे पास 54x माइनस में आपके पास यहां पर आ जाएगा आपके पास 6 ऑफ x और माइनस में 324 इक्वल्स टू 0। इधर से फैक्टराइजेशन करेंगे तो x प्लस में आपके पास 54 आएगा और यहां से फैक्टर्स करोगे तो माइनस में x कॉमन, ये x प्लस में आपके पास 54 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली बच्चों क्या मिला, यहां से दो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, एक तो x प्लस में 54 और दूसरा x माइनस में 6 इक्वल्स टू 0। आपको मालूम है कि दोनों फैक्टर्स हमारे 0 के इक्वल है, प्रोडक्ट इनका 0 के इक्वल है, दिस मींस x इक्वल टू माइनस में 54 होगा और x इक्वल टू 6। बेसिकली x क्या डिनोट करता है, x बच्चों हमने किसको कंसीडर किया हुआ है, x बच्चों हमने कंसीडर किया हुआ है आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम को, ठीक है बच्चों। x किसको कंसीडर किया बेटा, x कंसीडर किया हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम को। तो स्ट्रीम की स्पीड कभी भी निगेटिव होगी क्या, निगेटिव तो नहीं लेंगे, तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया हमारे पास, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर एब्सोल्यूट भी लेते तो कभी भी स्ट्रीम की स्पीड बोट की स्पीड से ज्यादा भी नहीं हो सकती। तो माइनस का 54 नहीं लेंगे बच्चों, तो x इक्वल टू यहां पर 6 किलोमीटर पर आवर हमको निकल के आ गया, जो कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है बच्चों। हेंस यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि हेंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम
स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास 6 किलोमीटर पर आर आ जाएगा. क्या आ जाएगा बच्चों 6 किलोमीटर पर आर हमको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकल करके आ जाएगी. और ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों तो आई होप आई एम गारंटीड कि आप चुटकियों में इसका आंसर मतलब कि एकदम बढ़िया तरीके से ऐसे ही लिख करके एलोबरेट करके आप आंसर लिख करके आओगे. पक्का बच्चों करके आएंगे कि नहीं करके आएंगे जल्दी से बताइए. सिंपल है तो कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन समझ में आपको आया या नहीं आया आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके जरूर से बताइएगा और आपको रिस्पांस भी देना होगा. ठीक है बच्चों चलिए भाई तो मूव करते हैं. अब हम अपने एक छोटे से अभी अभी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी तो एक काम करते हैं थोड़ा सा एक छोटा सा क्विज लेकर के आते हैं और एक छोटा सा ब्रेक एक तरीके से बोल सकते हैं. तो जल्दी से बच्चों आप लोग रेडी हो जाइए क्वेश्चन के लिए. एक क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर लेकर के आता हूं. सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख करके बताना होगा. ठीक है बच्चों तो रेडी है वेरी गुड बच्चों. तो क्विज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3. इनमें से किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का सम है बच्चों वो क्या है आपका 3 है. आपको बताना है. ए बी सी डी बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने है. जल्दी से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके सब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. ठीक है सिलेक्ट क्या ही करोगे कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो जल्दी से बताइए भाई. वेरी गुड बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताइए क्या आंसर आया रहा है आप लोगों का. बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया. अरे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है. मतलब कि पुराना अगर मैं बात करूं तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट अगर आपको याद है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का तो इसका आंसर चुटकियों में आएगा. हो गया बच्चों चलो टाइम अप. चलिए भाई कमेंट बॉक्स में ढेर सारे बच्चों ने आंसर किया हुआ है. चलिए अब चेक करना सभी लोग अपने आंसर्स को मैच करिएगा. भाई हमको एक बात मालूम होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस का जो सम होता है बेसिकली वो क्या होगा. माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये हमको मालूम है बच्चों. ठीक है तो बेसिकली एक बार लिख करके बता देता हूं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर अल्फा एंड बीटा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों क्या होते हैं आपके रूट्स हैं. ठीक है बच्चों ध्यान से समझिएगा. अगर अल्फा एंड बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं तब अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस में बी अपॉन ए के इक्वल होता है. ओके बच्चों एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए के इक्वल होता है. बस इतनी सी बात है क्लियर. अब देखिए यहां पर अगर हम इस चीज को अप्लाई कर दें तो भाई फर्स्ट ऑप्शन पे 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में आपका 6 है तो क्या यहां पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए हमारा 3 आएगा. नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. ठीक है ऑप्शन नंबर बी पर अगर हम देखें ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं. यहां पर अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करूं माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो माइनस में 3 हो गया अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 1 ये बेसिकली 3 आ गया. अरे वाह सम ऑफ द रूट्स 3 आ गया बच्चों. इसका मतलब क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है. क्लियर है बच्चों. और थर्ड पर अगर हम देखें तो थर्ड भी नहीं आएगा. थर्ड भी बच्चों नहीं आ रहा है उसके अलावा फोर्थ भी पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है ना. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक ही आंसर करेक्ट होता है बेसिकली. ठीक है बच्चों चलिए तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है. आई होप समझ में आ गया. चलिए भाई अब बारी है बच्चों दूसरे टाइप की वर्ड प्रॉब्लम जो कि एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा पूछी गई है ना बच्चों. एक तो बोट एंड स्ट्रीम हमने अभी डिस्कस कर लिया अब दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है बच्चों आपकी किस पर बेस्ड. क्या नजर आ रही है बच्चों ट्रेन जाती है सबको नजर आ रही है ना. बिल्कुल बच्चों तो ट्रेन और इसकी स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है काफी ज्यादा इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है. ठीक है और आप अलग अलग बुक्स में देखेंगे सब जगह पर ढेरों क्वेश्चन इस पर बेस्ड होते हैं आपके. ठीक है तो क्वेश्चन किसी भी बुक का हो क्वेश्चन किसी भी बुक से हो सकता है एनसीईआरटी से हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हो या कहीं से भी हो लेकिन अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट बच्चों इसमें सेम ही अप्लाई हो रहा है. कॉन्सेप्ट को समझना है आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से होगा आप चुटकियों में उड़ा देंगे उसको. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं. अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है बच्चों इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आर. ठीक है बच्चों इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. समझ रहे बच्चों
ये बोल रहे हैं कि एक ट्रेन की यूजुअल स्पीड होती है, होता है ना बच्चों कि एक ट्रेन की यूजुअल स्पीड है, अगर यूजुअल स्पीड से ट्रेन मूव करती है तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है कितना टाइम वो ट्रेन लेगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि काम करिए कि ट्रेन की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो ट्रेन की स्पीड को अगर हम बढ़ा देंगे बच्चों तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड बढ़ने पर टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और टाइम डिक्रीज हो गया तो उसी पर बेस्ड तो क्वेश्चन है कि अगर हमने 5 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दिया तो जो पहले टाइम लग रहा था उन दोनों टाइम में कितने का डिफरेंस आ गया बच्चों, 1 आवर का डिफरेंस आ गया, 1 आवर का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो भाई फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके बच्चों, तो अगर मैं यहां पर सबसे पहली बात कि भाई क्वेश्चन में जो चीज पूछ रहा है, जो फाइंड करना है उसको वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे, जैसे कि यहां पर फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हम क्या बोलेंगे, लेट सपोज, ठीक है बच्चों, लेट सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आर। ठीक है बच्चों, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आर। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं बात करूं कि 360 किलोमीटर कि डिस्टेंस को अगर वो इस स्पीड से ट्रेवल करती है, तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, इफ अगर हम यहां पर देखें कि अगर 360 किलोमीटर की स्पीड को अगर इस स्पीड से, मतलब कि डिस्टेंस को इस स्पीड से ट्रेवल करे तो कितना टाइम लगेगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं बच्चों टाइम टेकन बाय द ट्रेन। ठीक है, अगर हम ये टाइम देखें बच्चों, सपोज करो ये टाइम आपके पास t1 है कि अगर 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर x किलोमीटर पर आर की स्पीड से करें तो टोटल टाइम आपके पास ये लगेगा। ठीक है बच्चों, अगर 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आर स्पीड से अगर आप ट्रेवल कवर करोगे तो आपको t1 टाइम सपोज कर लो आपके पास लग जाएगा। एक तो पहले इक्वेशन आपके पास ये बनता हुआ आपको नजर आ रहा है कि t1 इक्वल टू 360 अपॉन x, ये क्या है कि भाई जब हम 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आर की स्पीड से, ठीक है, ट्रेवल करेंगे या कवर करेंगे तो ये टाइम लगेगा। बट अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमसे बोल रहा है कि अगर हम ट्रेन की स्पीड को क्या कर देते हैं बच्चों, ट्रेन की स्पीड को अगर हम x प्लस 5 यानी कि 5 किलोमीटर पर आर अगर हम उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है बच्चों, 5 किलोमीटर पर आर अगर इंक्रीज कर देते हैं तो टाइम t2 लगेगा। अब आपको सिर्फ इतना समझना है कि भाई t1 ज्यादा होगा कि t2, विच वन इज ग्रेटर, t1 ज्यादा है कि t2 ज्यादा। ऑब्वियसली बात है कि जहां पर स्पीड कम वहां पर टाइम ज्यादा, जहां पर स्पीड ज्यादा ऑब्वियसली वहां पर टाइम कम। अब दोनों में डिफरेंस क्या बच्चों कि भाई इट टेक्स 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी के लिए 1 आवर कम टाइम लग रहा है बच्चों, तो डेफिनेटली यहां पर हमारे पास गिवन है कि t1 माइनस में t2 इक्वल्स टू क्या है बच्चों आपका 0 के, t1 माइनस में t2 बेसिकली जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है बेटा, 1 आवर का डिफरेंस है। सॉरी यहां पर इसको ठीक कर देता हूं, ये हमारे 1 आवर के इक्वल है। ठीक है बच्चों, t1 माइनस t2 इक्वल्स टू आपके पास 1 आवर के इक्वल है। ओके बच्चों, तो जल्दी से अगर हम यहां पर बात करें तो क्या निकल के आएगा, नोट करिए, t1 माइनस t2 इक्वल टू 1, तो बेसिकली ये बन गया हमारे पास 360 अपॉन में x और माइनस में 360 अपॉन में x प्लस में 5 इक्वल्स टू 1। अगर यहां पर बच्चों हम एलसीएम ले लें तो x इंटू में x प्लस 5 बेसिकली ये बनेगा 360 इंटू में x प्लस में 5 और माइनस में 360 इंटू में x इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बेसिकली 360x 360 कैंसिल आउट, 5 0 5 6 30 5 3 1800 आ गया बच्चों यहां पर, और अगेन यहां पर अगर आप देखो तो x इंटू में x प्लस में 5 आ गया। बहुत ही बढ़िया बच्चों, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गया, x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 1800 इक्वल्स टू 0, ये बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल करके आ गया। क्या आ गया बच्चों, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 1800 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्लियर है, जल्दी से बच्चों बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बढ़िया, वेरी गुड। अब यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो 1800 के हम क्या फैक्टर्स बना सकते हैं बच्चों, सोचिए, दिमाग लगाइए, बहुत ही सिंपल है। 1800 के अगर मैं बात करूं, 5 का डिफरेंस है तो अगर आप देखो तो 45 इंटू में 40 अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा, 1800 आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए
और 45 और 40 में जो डिफरेंस है वो कितने का? 5 का है। तो यानी कि बच्चों इसको हम ब्रेक कर सकते हैं आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 45 टाइम्स एक्स माइनस में 40 टाइम्स एक्स, ओके बच्चों, और माइनस में 1800 इक्वल्स टू जीरो। तो बेसिकली बच्चों ये क्या निकल के आएगा, x कॉमन लिया, x प्लस में हमने 45 फाइंड कर लिया, माइनस में 40 हमने कॉमन ले लिया, तो x प्लस में अगेन 45 हमको मिल गया इक्वल्स टू जीरो आ गया बच्चों। ठीक है, यहां से दो फैक्टर बन गए, x प्लस में 45 एंड x माइनस में 40 इक्वल्स टू जीरो। तो सिंप्लीफाई करेंगे मतलब कि फैक्टराइजेशन है यहां पर दो फैक्टर्स, तो x इक्वल टू एक तो आपके पास 40 आएगा एंड x इक्वल टू आपके पास माइनस में 45। अब बेसिकली बच्चों हमसे पूछा क्या गया था कि इसमें से ऑब्वियसली नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं, तो x इक्वल टू बच्चों हम क्या लेंगे आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट अगर सॉरी स्पीड ऑफ ट्रेन अगर मैं बात करूं तो ट्रेन की स्पीड बच्चों क्या हो जाएगी आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास बढ़िया से आंसर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लो बच्चों, सबको क्लियर है, ये क्वाड्रेटिक बना एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 1800 इक्वल्स टू जीरो। तो ये बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गया, सॉल्व करने पर मिडिल को स्प्लिट कर दिया 45 एंड 40 के डिफरेंस के फॉर्म पर और हमारे पास x 40 और माइनस 45 40 किलोमीटर पर आवर को हम ले लेंगे। चलिए बच्चों तो नोट करते चलिए, आगे समझ में क्लियर है, जल्दी से बच्चों बताइए समझ में आ गया, कोई डाउट यहां पर किसी भी तरीके का? सिंपल, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं। चलिए तो ये सेकेंड प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बोट मतलब कि ट्रेन की स्पीड और इंक्रीज करने पर डिक्रीज करने पर टाइम कितना कम हुआ ज्यादा हुआ, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, मोस्ट रिपीटेड है ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे हैं बच्चों? तो एक बार ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको और भी करनी है। चलिए बच्चों तो एक काम करते हैं, अब एक क्विज और लेकर के आते हैं, जल्दी से तुरंत आंसर करके बताओ। आप लोग की अवेयरनेस एक्टिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, कितने एक्टिवली आप क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये अभी पता चलेगा। तो क्विज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं, तुरंत कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर लिख करके बताना होगा। तो क्वेश्चन है बच्चों, इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx माइनस में 5/4 इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू क्या होगी बच्चों आपको यहां पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है -2, ऑप्शन नंबर सी है 1/4 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 1/2। तो बच्चों क्या आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए जल्दी से मुझे बताइए, क्या आंसर इसका बच्चों करेक्ट होना चाहिए जल्दी से मुझे आप लोग को बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से तुरंत सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख करके बताएं क्या आंसर आएगा भाई। हो गया टाइम अप, चलो भाई टाइम अप टाइम अप टाइम अप। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एक छोटी सी क्वेश्चन है भाई कि 1/2 क्या है, 1/2 रूट है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और रूट का मतलब क्या होता है, मतलब कि x इक्वल टू 1/2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो पूरे की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए, यही होता है बच्चों। तो x इक्वल टू 1/2 अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करोगे तो 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस में k इंटू में 1/2 माइनस में 5/4 इक्वल टू जीरो। तो यहां से k अपॉन 2 और ये आ गया हमारे पास प्लस में 1/4 माइनस में 5/4 इक्वल टू जीरो, तो k बाई 2 और यहां से अगर आप देखिए तो ये क्या बन गया 1 माइनस, तो यहां पर आपके पास माइनस में 4 आ गए, दिस मीन दिस इक्वल टू आपके पास -1। तो इधर से जाएंगे तो k इक्वल टू बच्चों आपके पास k बाई 2 इक्वल टू 1, दैट मीन्स k इक्वल टू हमारे पास 2 आएगा। तो k की वैल्यू बच्चों अगर हम देखें तो 2, तो ऑप्शन नंबर ए आपने तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखा होगा, सभी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर ए लिखा है, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए बेटा 2 इसका राइट आंसर है, क्लियर है। आगे समझ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए 2 ही इसका राइट आंसर होगा, क्लियर है बच्चों, बहुत ही बढ़िया, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप सबको समझ में आया होगा, जल्दी से आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई, चलिए बच्चों तो ये कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब बच्चों मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जो कि कई बार आपके एग्जाम्स में प्रीवियस में आपकी पूछी गई है। चलिए बच्चों तो डिस्कस करते हैं, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों आपकी वो ये है कि टू वाटर टैप्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सभी को बहुत ही ध्यान से करना है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3:8 आवर्स, कितने में बच्चों 9:3:8 आवर्स।
द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली. ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. हमें वो टाइम फाइंड करना है जब दोनों टैंक अलग अलग पूरे, मतलब कि जब दोनों टैप टैंक को अलग अलग अकेले पूरा फिल कर सकते हैं, कि भाई टैप वन इतने टाइम पर फिल कर देगा, टैप टू इतने टाइम पर फिल कर देगा, ऐसा कुछ हमें बताना बच्चों. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप यहां पर देखें कि जब दोनों टैप को एक साथ स्टार्ट किया जाता है, दोनों टैप को एक साथ ओपन कर दिया, तो पूरे टैंक को फिल करने में कितना टाइम ले रहे हैं बच्चों. ध्यान से समझिएगा इसको, समझिएगा कि अगर हम यहां पर इस तरीके से देखें कि टैप वन एंड टैप टू, एक सेकेंड पेन सेलेक्ट कर लेता हूं बच्चों, आ जाइए. ठीक है, हम लिख सकते हैं बच्चों टैप वन एंड टैप टू together can fill the tank इन, अगर हम देखिए कितने टाइम पर फिल कर देंगे, तो 9:3:8, तो 9:8 जा क्या होता है बच्चों 72, और 72 प्लस में 3 यानी कि 75/8 आपका 8 आवर्स. ठीक है बच्चों, 75/8 आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर देंगे. ठीक है बच्चों, इन 75/8 आवर्स. चलो ये तो हुआ बच्चों जब टैप वन और टैप टू है ना, दोनों को एक साथ जब ओपन कर दिया गया, दोनों टैप को एक साथ खोल दिया. जब टैप वन को अगर मैं एक बार को बोलूं, तो टैप वन वो है बच्चों जिसका डायमीटर क्या है बच्चों, लार्जर. यहां पर लिख देता हूं ब्रैकेट में आपके पास, ये आपके पास लार्जर डायमीटर वाला टैप है. ठीक है बच्चों, और ये वाला जो टैप टू है ये स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है. कैसा टैप है बच्चों, स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है आपके पास. ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें तो स्मॉलर डायमीटर, लार्जर डायमीटर और स्मॉलर डायमीटर दोनों टैप जब एक साथ ओपन करते हैं तो 75/8 में पूरे टैंक को फिल कर सकते हैं. तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ कि वन आवर में दोनों टैप कितना पार्ट फिल कर सकते हैं, सपोज कर सकते हो कि भाई पूरा टैंक को 75/8 आवर्स में फिल कर पा रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन वन आवर, अगर हम देखें फिल्ड इन वन आवर बाई टैप वन एंड टैप टू, बाई टैप वन एंड टैप टू, दोनों टैप और टैप वन और टैप टू से दोनों से अगर हम फिल करते हैं तो वन आवर में कितना पार्ट, अगर पूरे टैंक को 75/8 आवर्स में, तो वन आवर में इसका यानी कि 8/75 इतना पार्ट फिल कर पाएंगे वन आवर में 8/75. ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया. ठीक है बच्चों, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख लिया. अब एक्चुअल में जो क्वेश्चन में फाइंड करना वो ये है कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. सपोज करिए बच्चों, लेट सपोज अगर हम यहां पर सपोज कर लूं, लेट सपोज टैप वन जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है यानी कि टैप टू, लेट सपोज टैप टू ऑफ स्मॉलर डायमीटर कैन फिल द टैंक अगर हम यहां पर देखें बच्चों इन एक्स आर, सपोज करो ये एक्स आर में पूरे टैंक को फिल कर देता है. ठीक है, सपोज करो कि पूरे टैंक को एक्स आर में फिल कर देता है, तो अगर वन आर में मैं आपसे पूछूं है ना, तो हम लिख सकते हैं पार्ट ऑफ टैंक, सिंपल से देखिए पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन वन आर बहुत ध्यान समझिएगा, फिल्ड इन वन आर बाई टैप टू की हम बात कर रहे हैं, तो बाई टैप टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x. क्या हो जाएगा बच्चों, 1/x हो जाएगा. क्लियर है, तो ये बेसिकली टैप टू स्मॉलर डायमीटर का पूरे टैंक को अगर एक्स आर्स में आपका फिल कर पाता है बच्चों, तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन वन आर बाई टैप टू इक्वल टू 1/x. सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि बेसिकली अगर हम यहां पर देखें, लेट सपोज सिंपल सी बात, अगर एक्स आर्स में टैप टू आपका फिल कर पा रहे जो कि स्मॉलर डायमीटर का है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द टू टैप वाटर टैप्स द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आर लेस देन द स्मॉलर डायमीटर. ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर हम देखें तो टैप वन ऑफ लार्जर डायमीटर
डायमीटर कैन फिल द टैंक। क्या हो जाएगा बच्चों, अगर एक्स आर्स में जो छोटे डायमीटर वाला टैप है वो फिल कर रहा है तो ये कितना टाइम ले रहा है बच्चों, एक्स माइनस में आपका 10 आवर्स, कितना टाइम लेगा बच्चों, एक्स माइनस में 10 आवर्स। और अगर हम यहां पर देखें पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन वन आवर बाई टैप वन तो कितना हो जाएगा, 1/x - 10। चलिए 1/x - 10। तो बेसिकली अगर आप देखो टैप 2 1/x पार्ट फिल करता है 1 आवर में, टैप 1 फिल कर पाता है 1/x - 10। अगर आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए बच्चों तो क्या निकल के आया कि 1/x और 1/x - 10, यानी कि जब आपने टैप 2 को पूरा ओपन कर दिया 1 आवर के लिए, टैप 1 को पूरा ओपन कर दिया आपने कितने टाइम के लिए, 1 आवर के लिए, दोनों टैप ने जब टैंक को 1 आवर तक फिल किया तो कितना पार्ट फिल किया था बच्चों, 8/75। कितना पार्ट फिल किया था बच्चों, 8/75, इतना पार्ट फिल किया। ठीक है बच्चों, 8/75 इतना पार्ट इन्होंने फिल किया। अब बच्चों अगर हम यहां पर सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, 1/x (x - 10) और यहां से आएगा आपके पास x - 10 + x और बेसिकली 8/75। कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो ये बनेगा हमारे पास 2x - 10, तो 2x (75), तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 275 आपका बन जाएगा हमारे पास 150। तो 150 टाइम्स एक्स माइनस में आपके पास 750। क्लियर है बच्चों, इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास 8 times x² और माइनस में आपके पास बनेगा 80 times x। सॉल्व कर लीजिए बच्चों तो आ जाएगा 8x² यहां से बन जाएगा माइनस में आपके पास 230x और प्लस में 750 = 0। ये बच्चों आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल करके आ गया। क्लियर बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास निकल के आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप देखो तो सिंपल तरीके से आप यहां पर 2 को कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 times x² माइनस में 2 बन जा 2, फिर 2 बन, यहां पर 115 times x हो गया बच्चों, और प्लस में अगर आप देखो तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 1 सेकेंड 2 7 जा 14 2 375 = 0। चलिए बच्चों तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो 3 × 375 क्या बनता है बच्चों, सॉरी 4 है ना बेटा यहां पर, तो ये देखो 4 × 375 तो क्या बनेगा, 5 × 4 = 20, यहां पर 7 × 4 = 28 और 30, 4 × 3 = 1500 आ गया, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, कॉफिशियंट का प्रोडक्ट 1500 है। तो अब हमें मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट हमारे पास 1500 आए और बच्चों और हमारे पास जो सम आए वो 115 आए, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 times x² माइनस में 100 + 15, और 100 + 15 क्या होगा, 1500, और 100 × 15 = 1500, और 100 + 15 = 115 इंटू में x प्लस में आपके पास 375 = 0। सॉल्व करते हैं बच्चों तो 4 times x² माइनस में 100 times x माइनस में 15 times x प्लस में आपके पास 375 = 0। अब देखिएगा यहां से अगर आप 4x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस में 25 आता है बच्चों, यहां से माइनस का 15 कॉमन लेते हैं तो x माइनस में 25 आता है बच्चों। दो फैक्टर आ गए, एक तो x माइनस में 25, सेकेंड फैक्टर 4x माइनस में 15 = 0। तो बेटा सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहां से एक तो 25 आएगी और दूसरी x की वैल्यू 15/4 आएगी। अच्छा अब x की दो डिफरेंट वैल्यूज निकल करके आ रही हैं, ठीक है बच्चों। अब आप मुझे बताइए इसमें से x की कौन सी वैल्यू लोगे आप, 25 लोगे कि 15/4 लोगे? तो तुरंत बच्चों आपके माइंड में लॉजिक आना चाहिए कि भाई x है क्या, x है कि भाई कितने टाइम पर स्मॉलर डायमीटर वाला टैप पूरे टैंक को फिल कर देगा। अगर स्मॉलर डायमीटर वाला टैंक 15/4 आवर्स में पूरे टैंक को फिल करने वाला है तो सोचिए कि भाई दोनों टैप जब मिलकर के 75/8 ले रहे हैं, तो जब दोनों टैप मिलकर के ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो क्या स्मॉलर डायमीटर अकेले 15/4 आवर्स में फिल कर सकता है? नहीं। तो मतलब कि x = 15/4 हम नहीं लेंगे। तो बच्चों x की वैल्यू लेंगे हम आपके पास 25, मतलब कि जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है वो पूरे टैंक को 25 आवर्स में फिल करेगा।
यानी कि जो अगर मैं बात करूं बच्चों, तो टैप टू आपके पास टाइम लेगा 25 आवर्स का, और जैसे कि टैप वन क्या कर रहा है 10 आवर्स कम ले रहा है, तो कितना लेगा बच्चों 15 आवर्स का वो टाइम लेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से टैप टू और टैप वन की टाइमिंग निकल के आ गई कि टैप टू पूरे टैंक को 25 आवर्स में और टैप वन पूरे टैंक को 15 आवर्स में। 15 कैसे आ गया बच्चों, क्योंकि आपने यहां पर देखा था कि टैप वन कैन फिल द टैप वन ऑफ लार्जर डायमीटर कैन फिल द टैंक इन एक्स माइनस में 10 आवर्स। तो जितने टाइम पर फिल कर रहा है ना टैप टू, उससे 10 आवर्स कम ले रहा है, क्योंकि लार्जर डायमीटर है तो वाटर फ्लो भी उससे थोड़ा सा तेज होगा। वाटर फ्लो तेज होगा तो ऑब्वियसली टैंक को फिल करने की उसकी स्पीड भी कम टाइम मिलेगा, तो ज्यादा कम टाइम पर ज्यादा टैंक फिल कर पाएगा। तो इस तरीके से, तो बच्चों 15/4 लेंगे नहीं, एक्स इक्वल टू 25 लेंगे, तो हमारा आंसर 25 आ रहा है, 15 आवर्स आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी तीन क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में आपको डिस्कस करे हैं, ये एग्जाम के वो क्वेश्चन हैं जो कि एक तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है, दूसरा कई बार पूछे भी गए हैं, तो भाई आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार खुद से दोबारा भी करनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया है, क्लियर है। वन बाय वन एक बार आप स्क्रीन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट जिसको लेना वो ले सकता है। एक पार्ट आपका ये हुआ, दूसरा आपका ये हो गया बच्चों, और थर्ड आपका ये पूरा। ठीक है, तो 25 एंड 15 हमारे पास आंसर आएगा। चलिए, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब बारी है बच्चों हमारी थर्ड क्विज की, तो सारे बच्चे थर्ड क्विज के लिए रेडी हो जाइए। और थर्ड क्विज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, विच कॉन्स्टेंट शुड बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस में स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 By the method of completing the square, x square का coefficient 4 है, जो कि perfect square है, तो 2x का whole square के form पर break करो, फिर देखो क्या add और separate करने पर यहाँ पर हमें perfect square में convert होगा। चार option बच्चों आपके सामने हैं, जल्दी से correct option select करिए। ठीक है बच्चों? चलिए, time बच्चों आपका start है, basically आप लोग कर सकते हैं, time तो यहाँ पर चलने दो, आप अपना solve करो और solve करके answer बताइए। 45 सेकंड का ही टाइम आपके पास है, सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर बताइए। ठीक है बच्चों? चलिए, वेरी गुड बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करें और सॉल्व करके आंसर बताएं क्या आंसर आएगा। हो गया बच्चों? बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, सबने कर लिया आंसर? चलो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख करके बताइए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर, जिसने भी कर लिया है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर, कमेंट बॉक्स को अपने आंसर से फिल कर दो भाई, दिखना चाहिए सभी बच्चों के आंसर मुझे लाइन से दिखने चाहिए। ठीक है बच्चों? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए भाई, तो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को बच्चों। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो 4x² को हम लिखेंगे 2x का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है बच्चों, माइनस में। अब देखिएगा, ये बनेगा 2, जैसे कि आपको मालूम है ए स्क्वायर ब्रेक करेंगे माइनस में 2a इंटू बी, तो 2 तो आपके पास अलग से आया, इंटू में आपके पास 2x और आएगा। यहां पर अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट 3 आपके पास में है, लेकिन अगर आप देखो तो x तो हमने इंक्लूड कर लिया, लेकिन 2 इंटू 2 यानी कि यहां पर 4 आपको डिवाइड में रखना पड़ेगा, तब तो एक जैसा आएगा। ठीक है बच्चों? यानी कि ये आपके पास मिल गया। ओके, अब ये टर्म बन गया माइनस में 2a इंटू बी, अब आपके पास क्या बनेगा बच्चों, स्क्वायर रूट 3/4 को आप के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे एंड स्क्वायर रूट 3/4 के होल स्क्वायर को सबट्रैक्ट करेंगे माइनस में 5 इक्वल टू 0। तो बताइए बच्चों क्या ऐड किया, क्या सबट्रैक्ट किया, स्क्वायर रूट 3/4 का होल स्क्वायर मतलब कि 3/16। तो आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल। चलिए, तो इस तरीके से बच्चों क्विज कंप्लीट होती है। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, क्योंकि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही धांसू क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं। तो बच्चों सभी लोग ऐसे ही क्लास को लाइक जरूर से करिएगा और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर से करना। ठीक है बच्चों? लाइक जरूर से कर देना, लाइक बटन पर प्रेस कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और डाउटेंट के 6 जो इंग्लिश 9 to 10 इंग्लिश मीडियम वाला चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास की वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली आपके पास मिलती रहे। चलिए बच्चों, तो क्लास को यहीं पर फिनिश करेंगे और ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के फॉर्म पर दे रहा हूं, नोट कर लीजिए बच्चों, ये दो क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है,
इनको होमवर्क के फॉर्म पर आप लोग नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है बच्चों आपके लिए। वो सरप्राइज क्या बच्चों, वो सरप्राइज आपका ये है कि भाई नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड मेंटी क्विजेस बच्चों मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है बच्चों। तो सारे बच्चे पार्टिसिपेट करिएगा, बहुत मजा आने वाला है। मिलेंगे बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास में मेंटी क्विजेस के साथ, तो मिलेंगे, चलिए बच्चों तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।